The efficiency excluding losses is 96%. Excluding the losses is 95%. And the synchronous reactors is 2.72 2 ohm per phase excess. Developed torque find out. Armature current IA, excitation voltage EF, power factor theta I, maximum torque. तो दूसरा नाम ब्रेकडाउन टॉर्क इसका मैक्सिमम टॉर्क ब्रेकडाउन टॉर्क या दूसरे लफ्जों में आल्सो कॉल्ड पुल आउट टॉर्क इसकी हद के बाद ये आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाता है तो हमने एक-एक करके चीजें निकाल ली लेकिन सबसे पहले जैसा मैंने सिंक्रोनस जनरेटर में कहा था कि सबसे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे n तो 120 f p 1800 rpm आ गई

इनपुट ठीक है पी आउट बाय पी इनपुट इज एफिशिएंसी तो हम दूसरी चीज निकाल सकते हैं आउटपुट पता है हंड्रेड हार्स तो इनपुट कितना होगा वो एफिशिएंसी के लिहाज से हम निकाल सकते हैं ठीक है जी तो डेवलप्ड टॉर्क इज इक्वल टू फाइव टू फाइव टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट नाइन ये कन्वर्जन है जी नाइन जीरो पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाय जीरो की मैं बात कर रहा हूँ बाय जीरो हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये पी मकेनिकल है ये पी मकेनिकल है ये इलेक्ट्रिकल होता तो सेवन फोर्टी सिक्स की कन्वर्जन आती है लेकिन डायरेक्ट दिया हुआ है सेवन फोर्टी सिक्स में सॉरी हंड्रेड हाउस पावर में दिया हुआ है तो हंड्रेड डिवाइडेड बाई एफिशंसी हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई एटीन हंड्रेड दैट इज इक्वल टू थ्री जीरो फोर पाउंड फीट ठीक है अब ये हमारे पास डिवेलप टॉर्क आ गई है डिवेलप टॉर्क भी आ गई है हमारे पास और हम लोगों ने स्पीड भी मालूम कर ली है

फार्मूला ये फार्मूला सिंक्रोनस मोटर का है ये आपने रिमेंबर करना है ये चलता है पूरा आगे चलेगा ये कहा से आया है ये उसी तरीके से आता है एफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट उसकी कन्वर्जन करते हैं तो ये यहाँ से एफिशिएंसी का फार्मूला इन्होंने डेवलप किया हुआ है ये फार्मूला मोटर में पावर में चलेगा यू मस्ट नो दिस फार्मूला एज वेल एंड यू मस्ट नो दिस फार्मूला एज वेल ये दोनों फार्मूले आपको आने चाहिए है. ठीक है जी एस इज द एपर पावर ठीक है जी एस इक्वल टू पी शाफ्ट

ठीक है यहां पर जो हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे एस इज टू पी शॉफ्ट इंटू सेवन फोर्टी सिक्स इलेक्ट्रिकल में निकालने के चक्रो में डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी टू पावर फैक्टर ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगी इससे हम लोग निकाल लेंगे हमारे पास एस आ जाएगा तो इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है ये फार्मूला यहां से डेवलप होता है अपरा पावर का मोटर का क्योंकि मोटर में मैकेनिकल टर्म्स है तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है क्या तो ये हमारे पास आ जाएगा सेवन पॉइंट वन नाइनटी सेवन पॉइंट वन थ्री फाइव के वी आ जाएगा ठीक है के वी आ जाएगा पावर फैक्टर लैगिंग है तो अगर लैगिंग है कि लीडिंग है यहां पर हम देखें नाइनटी सिक्स एटी परसेंट पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग को हम पॉजिटिव ले लीडिंग को माइनस ले लेंगे यहां पर इसने क्या किया हुआ पावर फैक्टर एंगल इज नेगेटिव फॉर लीडिंग पावर फैक्टर वाई बिकॉज मोटर है जनरेटर नहीं है जनरेटर में हम क्या करते थे

इसने डिवाइडेड बाय थ्री का किया हुआ तो दो दो ये थ्री यहां से भी लगा किया जा सकता है इससे फर्क नहीं पड़ता बराबर आ जाएंगे दोनों सो आई ए सिंगल फेज कभी निकालेंगे तो आ जाएगा थ्री फेज तो चूंकि कैलकुलेशन यहाँ पे हमारे पास थ्री फेज है तो ठीक है तो आखिर में इस, इसका तरीका यह है कि हम वी आई एस निकाल के उसको थ्री से मल्टीप्लाई करें

पावर एंगल डेल कितना है पावर एंगल माइनस ट्वेंटी ठीक है अब ये चीज आप सब पावर एंगल हमने देखा है कि डेल जब नाइन्टी होता है डेल जब नाइन्टी डिग्री हो जाता है तो साइन नाइन्टी कितना होता है वन तो हम यहाँ पे डेल को माइनस पुट करते हैं बिकॉज ऑफ दी मोटर बिकॉज ऑफ मोटर डेल इज इक्वल टू माइनस नाइनटी डिग्री सो हमारे पास पी इनपुट इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वी टी ई एफ डिवाइडेड बाय एक्स एस साइन ऑफ डेल ठीक हो गया ये फार्मूला है मोटर का फेमस फार्मूला है हमारे पास लेकिन हम लोगों को इसकी वो चीज पता नहीं है कि पुल आउट टॉर्क कितनी लगती है और पुल आउट टॉर्क के लिए उस वक्त पावर कितनी जरूरत होती है पहले पावर को निकालना जरूरी है पावर निकलेगी वही फार्मूला टॉर्क वाले इंपुट करेंगे टॉर्क निकल जाएगी

ये पावर पता होगी तो इसी पावर पे टॉर्क निकलेगा यह पावर नहीं पता होगी टॉर्क नहीं निकल सकती पुल आउट तो पहले हम पुल आउट एंगल पे पावर निकाली है अब पावर से हम टॉर्क का फॉर्मूला लगा के पुलाउट निकाल लेंगे तो हम पुट करेंगे वैल्यूज और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा तकरीबन सिक्स वन थ्री पाउंड फीट ये है मैक्सिमम आउटपुट पावर ये आपके पास है जी मैक्सिमम आउटपुट पावर जो जरूरत होती है बाकी आगे ये सारी की सारी जो है वो कन्वर्जन है पी वाली 746. अब देखना ये टॉर्क है ये टॉर्क है ठीक है जी ये पुल आउट टॉर्क है ठीक है जो क्वांटिटीज है तो वही हॉर्स पावर की कन्वर्जन आएगी याद को one, one 746 746. इस बात को नहीं भूलना याद रखिएगा और मैकेनिकल और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो टर्म्स है मैकेनिकल कन्वर्जन होगी तो वो देखेंगे वो हॉर्स में पार में ऑलरेडी होंगी जो कन्वर्जन हमने मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करनी है तो उसके लिए कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होगा इस बात को याद रखिएगा तो तो एक तो ये फार्मूला हमारे पास इस्तेमाल होता है ये तो याद रखिएगा एक दो फार्मूले ये चलेगा और एस वाला ये बस ये दो आपको पता हो बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है पुट करते जाए और आंसर हमारे पास आएंगे आगे है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन शाफ्ट लोड ऑन आर्मेचर करंट पावर एंगल एंड पावर फैक्टर इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि शाफ्ट लोड को इनिशियल वैल्यू पे रखो ठीक है जी उससे जो है आर्मेचर करंट आएगा कुछ पावर एंगल आएगा डेल पावर फैक्टर आएगा थीटा आय आए। इसका अगला मतलब यह है कि शाफ्ट लोड को डबल कर दो पहली वैल्यू थी उसको एक्स अपू एक्स कर दो तो शाफ्ट लोड को डब, डबल करोगे तो आर्मेचर करंट के अंदर क्या चेंज आएगी कहता है ये मालूम करो पावर एंगल के अंदर क्या चेंज आएगी वो मालूम करो डेल के अंदर एंड पावर फैक्टर के अंदर क्या चेंज आएगी वो मालूम करो दैट इज थीटा आय ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस डायग्राम के अंदर है इस डायग्राम को समझना जरूरी है ये डायग्राम हमें समझ आ गई इन तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमें सारा समझ आ जाएगा इसमें जरा परेशानी की हमें जरूरत नहीं होगी लेकिन ये डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है कॉन्सेप्ट वाइज तो ये डायग्राम पूछी जाती है फिर एग्जाम में कि यार ये किस तरह इसमें एक क्वांटिटी भी गलत हो गई या इसमें आपने एंगल्स को रिवर्स कर दिया या एक को इधर लगा दिया एक उधर लगा दिया तो सारे की सारी डायग्राम जीरो होगी इस वजह से डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है ठीक हो गया मैं यहां पे चलो इसकी पहले थ्योरी पढ़ लेता हूं ताकि जरा सा फिर उस डायग्राम पे चलते हैं पहले तो हमने कहा था इनिशियल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन पे भी, भी, भी इससे फर्क नहीं पड़ता अब डबल करता है या एडिशनल लोड इंक्रीज करता है एज एडिशनल लोड इज ऑन द मशीन द रोटर कंटिन्यूस टू इंक्रीज इट्स लैग राइट अपने हमने कहा था कि रोटर और स्टेटर अप्स में सिंक्रोनाइज होते हैं जैसे ही लोड पड़ता है तो क्या कहता है रोटर के पोल्स पीछे होते हैं जरा सा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के पोल्स से तो लोड और बढ़ेगा तो जरा और पीछे हो जाएंगे तो वो जो पीछे होना होता है उसे कहते हैं लैग वो कौन सा लैग है डल ये डल है क्योंकि तो डल लैग एंगल बढ़ता है रिलेटिव रोटेटिंग फ्लक्स देयर बाय इंक्रीजिंग बोथ द एंगल ऑफ लैग एंड ऑफ द काउंटर एंडिश करेगा, करेगा ताकि वो रोटर की जो कैपेसिटी uh, है उसको मीट कर सके ड्यूरिंग ऑल दिस हाउ एवर एक्सेप्ट फॉर द ट्रांसजिट कंडीशन जो स्विचिंग होती है वी आर बाय द रोटर अज्यूम न्यू पोजिशन इन रोटेशन टू द रोटेटिंग द एवरेज स्पीड ऑफ द मशीन डज नॉट चेंज बिकॉज सिंक्रोनस मोटर है सिंक्रोनस मोटर में लोड की वेरिएशन भी होगी तब भी आउटपुट सेम आएगा इंडक्शन में लोड की वेरिएशन की होगी तो आउटपुट की अंदर वेरिएशन

मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं ठीक सा है जी इससे 90 की बढ़ जरा बढ़ती है तो लैग इतना बढ़ गया कि, से बाहर आ गया। तो क्या हो जो कि वो टॉर्क जो इसको से बाहर लेके जाती है जब लोड बढ़ता है तो उसे कहते है पुल आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टॉर्क अकर्स एट अ पावर एंगल ऑफ अप्रोक्सिमेटली नाइनटी डिग्री लोड के लिए डिग्री और अ सिलेंड्रिक रोटर मशीन ठीक है जी अच्छा ये, ये एक रिस्पांस है चलो ये बात भी स्टूडेंट की बनाई हुई है तो हमने इस क्लास में एक्सप्लेन की आपको भी समझा देते हैं देखें ये जो है हमारे पास रोटर की स्पीड है फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुई और रोटर की स्पीड वन पर यूनिट पे चली गई क्या हुई वन पर यूनिट पे चल रही है कांस्टेंट है अचानक क्या हुआ डिस्टर्बेंस आ गई जैसे ही लोड पड़ा तो रोटर की स्पीड में फ्लक्चुएशन आई और डिक्रीज हो गई कम हो गई ये देख रहे हैं आप ये कम हो गई उसके बाद क्या हुई कम हो के जो ट्रांसलिट आया है इसके अंदर उसके बाद क्या होगी फिर स्टडी स्टेट पे चली गई क्योंकि ये स्टेप रेस्पॉन्स में जो स्टेप रेस्पॉन्स था ये जो चेंज आई है उसके बाद फिर कॉन्स्टेंट सिंक्रोनिज्म में चली गई बिकॉज ये सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेशन है दोबारा उसने सिंक्रोनिज्म में टेन की लेकिन अगर इस स्टेप रेस्पॉन् के अंदर लोड इतना बढ़ा दिया जो इसके रेटेड कंडीशन से बाहर था तो ये पोल आउट होकर यहां पे चली जाएगी जीरो हो जाएगी बिल्कुल

देख रहे हैं आप ये बोर्ड लाइंस ये भी बोर्ड लाइंस है ये भी बोर्ड लाइंस है और इवन आप ये भी बोर्ड लाइन है और ये भी हम बोल्ड करें तो गलती इसमें नहीं है बिल्कुल ठीक है लेकिन चलो फिलहाल हम छोड़ते हैं दिस इज अ वीटी दिस इज इनपुट अप्लाइड टू द मोटर जब मोटर के अंदर इनपुट अप्लाई होगा तो मोटर के अंदर क्या होगा स्टेटर के अंदर एक्साइटेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज ईएफ और उस ईएफ की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा जी आईए और उस आईए की वजह से आगे जो है वो हमारे पास रोटर के अंदर इंड्यूस होगा और फिर रोटेशन होगी और फिर उस वो सर्कुलरिज्म में आएगी और वो पूरा प्रोसेस होता है ठीक है अब हम हमारे पास जो वन के एडिशनस हैं आईए1 डेल1 थीटा आई1 एफ वन ये हमारे पास कौन से थीज़ थीज़ थीज़? पहले लोड इतना पड़ा था हम कहते हैं कि करते हैं कि द मोटर इज इन इट्स लोडिंग कंडीशन लोडिंग कंडीशन जहां पर लोडिंग कंडीशन अप्लाई करते हैं वहां पर हमारे पास लोड जो है वो एक सर्टन वैल्यू का है फॉर एग्जाम्पल एक्स है क्या है एक्स है ठीक जी एक्स हमारे पास न्यूटन मीटर का एक लोड है एग्जाम्पल लेते हैं हम समझाने के लिए उस पर अप्लाई होती है तो हमारे पास जो फिजर डायग्राम है वो क्या बनेगा वी टी और ई एफ वन ई एफ वन और एक रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस को इग्नोर किया तो आई ए वन जे एक्स एस वन ठीक हो गया ये हमारे पास इनिशियल है ई एफ वन का और वीटी का आपस में कौन सा एंगल होता है हमेशा डेल वन द पावर एंगल

हमने क्या किया यहां पे डेल वन को रिजोल्व किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में जिस तरह हमने कहा था कि इसमें कंपोनेंट्स ऑफ ऑफ थीटा थीटा तो साइन ऑफ थीटा से साइन ऑफ डेल से हमने बीसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट पीछे हमने पढ़ा था मोटर में टॉर्क टॉर्क टॉर्कॉर्वेशन निकाले से हमने वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया ई एफ वन साइन ऑफ डेल वन इसकी लेंथ है देख रहे हैं ये यह यहां यह यह से भी ड्रॉ करूं तो गलत नहीं है यहां से भी कर लिया तो बात एक ही है ई एफ वन साइन ऑफ डेल वन ठीक हो गया जी यहाँ पे हम बात को रोकते हैं एक और बार डिस्कस करते हैं थीटा आई वन थीटा आई वन को भी रिजोल्व किया टू कंपोनेंट्स तो हमारे पास एक वर्टिकल सेगमेंट का आई ए वन कम्पोनेंट क्या बनाए देख रहे हैं आप इस कंपोनेंट बनाए हॉरिजॉन्टल आपस में जो लेंथ है इसकी इस सेक्शन से इस, से इस सेक्शन तक वो क्या है आई ए वन कॉस ऑफ थीटा आई वन ठीक हो गया क्लियर है अब क्या होता है ये चीज तो पुरानी है नया क्या हुआ कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लोड इज डबल्ड एडिशनल लोड डाल दिया उस पर लोड डबल हो गया जैसे ही लोड डबल होगी जो जैसे ही लोड डबल हुआ हमारे पास मैकेनिकल लोड ठीक है जी तो क्या होगा रोटर की स्पीड जो है वो डीएक्सलट करेगी जब लोटर की स्पीड डीएक्सलट करेगी तो उस वक्त क्या होगा हमारे पास यहाँ पे एक और बात याद रखनी है एक बात जो जरा बताना है यहाँ पे भूल गया अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन शाफ्ट लोड शाफ्ट लोड में चेंजेस आएगी डबल होगा ऑन आर्मेचर करंट पावर एंगल एंड पावर फैक्टर कीपिंग

तो आर्मेचर का एक्साइटेशन वोल्टेज हमने कांस्टेंट रखी हुई है वी कीपिंग द एक्साइटेशन वोल्टेज कांस्टेंट तो ई वन का जो फेजर था ई वन इनिशियली इस पोजीशन पे था ये इनिशियली ई वन का फेजर चला गया ई टू पे ई टू पे चला गया अब जरा तो जो के साथ सुनना वहां है अब जरा ये बात हमने सुननी है कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर कांस्टेंट ये जो

VT बनाएं. Keeping the excitation voltage constant. यहां पे क्या excitation voltage? Constant है ये बात समझ गए जब EF2 बढ़ा, जब जब बढ़ा एंगल ऑफ लैग बढ़ गया angle of lag बढ़ गया तो ई एफ टू विल ट्राई टू ड्रैग आई the करंट फ्रॉम द इनपुट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आएगी फ्रॉम द इनपुट इलेक्ट्रिकल आई ए की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि उसने मीट करना है सिंक्रोनिज्म को और रोटर को इस वक्त इंडक्शन की और जरूरत है तो आई ए वन विल शिफ्ट फ्रॉम आई ए वन टू आई ए टू एट द वैल्यू ऑफ आई टू आई ए टू यू कैन सी हेयर इज ग्रेटर देन

जब आई ए टू की वैल्यू बढ़ गई तो आपने आप ये देखा यहां पे आई ए टू की वैल्यू बढ़ गई ठीक हो गया जी उसका फेजर आई ए वन से शिफ्ट हुआ है IA2 पे तो क्या हुआ है जब बढ़ गई तो पहले एंगल था पावर फैक्टर एंगल थीटा आई वन था ज्यादा था अब चूंकि आई ए टू की वैल्यू बढ़ी है तो थीटा आई थीटा आई का जो एंगल अब वीटी के साथ बन रहा है वो थीटा आई टू है और थीटा आई टू ज्यादा है इज मोर क्लोज टू वी टी

Uh, 60 डिग्री है अज्यूम है अजंपशन है मेरी अजंपशन है 60 डिग्री का था तो यहाँ पे थीटा i2 की इंप्रूवमेंट आई तो ये 40 भी चला गया 30 भी चला गया तो ये जो है थीटा i2 इम्प्रूव हो गया ये देख रहे हैं आप दैट इज इंप्रूवमेंट बिकॉज़ इज गोइंग टू बी मोर क्लोजर टू vt एज़ कंपेयर टू ia1 ठीक हो गया अब ia2 का फेजर प्रीवियस के साथ क्या था IA2 ए टू कॉस ऑफ तो मैंने कहा था कि लोड डबल हुआ है तो अब वैल्यू डबल हो जाएगी IA1 ए वन कॉस ऑफ प्रीवियस था डबल हो गई तो यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ टू आई ए वन कॉस ऑफ हो गया ठीक हो गया इसकी वैल्यू EF1 एफ वन साइन थी अब बढ़ के डेल के साथ इसके कोसाइन और साइन निकाल के हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट से निकालें तो हमारे पास यहां पर भी एक वेक्टर बनेगा EF2 एफ टू साइन EF2 sin of del 2 टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2 EF1 sin of del 1 तो so यहां पर जो है वो del के साथ आ गया 2 EF1 sin of del 1 और यहां पे पावर फैक्टर के साथ ये पावर एंगल के साथ आया ये पावर फैक्टर के साथ टू आई ए वन कॉस्ट ऑफ थीटा आई वन आ जाएगा ये चेंज आई है तो इसका मतलब है जरा सा आखिरी बात है समराइज करता हूं चेंजेस डबलोड को इंक्रीज किया तो आई ए की वैल्यू आई ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई आई ए वन से आई ए टू की जिसकी वजह से पावर फैक्टर इंप्रूव हुआ थीटा आई वन से थीटा आई टू एक बात

वैल्यू आई वन से आई टू पे इंक्रीज कर गई तो हमारे पास ये हमारे पास जो है वो चेंज आई है ठीक हो गया ये बात हमने नोट की अगली हमने नोट करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड ई सॉरी थीटा आई एंड ई सो एक्टिव पावर का जो रिलेशन यहां पे शो किया हुआ है ये हम देख रहे हैं सर एक्टिव पावर इज रिलेटेड टू बोथ आई ए ऑफ थीटा आई ठीक है और एक्टिव पावर पी इज ऑल्सो रिलेटेड साइन ऑफ हमने पीछे देखा था आपको याद होगा हमने भी सिंक्रोनस मोटर की जो रिलेशन बनाई थी बीसी के कंपोनेंट अज्यूम किया था कि ये एक कम्पोनट है उसकी लेंथ ये है हमने कहा था ये लेंथ आप डेल वन से भी निकाल सकते हो और हमने यही कहा था कि ये आप जो है वो यहां पर एंगल बनाओ

थीटा पावर फैक्टर जीरो की तरफ जाएगा याद रखें जैसा यहाँ पे इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहा है थीटा की की वैल्यू जीरो तरफ जाएगी बिटवीन वोल्टेज एंड करंट तो क्या होगा हमारे पास पावर आउटपुट इंक्रीज होगी तो ये दो रिलेशन है पावर की विद रेस्पेक्ट टू पावर फैक्टर एंड विद रिस्पेक्ट टू पावर एंगल ठीक है जी अब जो है वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फील्ड एक्साइटेशन अब याद रखें वहां पे फील्ड एक्साइटेशन कांस्टेंट थी शेफ्ट लोड को चेंज कर रहे थे यहाँ पे लोड रहा है याद रखिएगा इस बात को यहां पे लोड क्या है कांस्टेंट होगा हमारे पास इस केस में लोड कांस्टेंट होगा फील्ड एक्साइटेशन को हम इंक्रीज डिक्रीज करेंगे फील्ड एक्साइटेशन के साथ चेंजेस करेंगे और हम देखेंगे सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या परफॉर्मेंस आती है तो वेरी सिंपल कोई मुश्किल की बात नहीं हमने सबसे बड़ा जो फीचर पड़ा हुआ है सिंक्रोनस मोटर का वो क्या पड़ा है कि सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड इज यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट एंड एंड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस दे आर ओवरऑल फॉर द पावर सिस्टम फॉर द फॉर द पावर फैक्टर लैगिंग पावर फैक्टर टू गेट मोर इम्प्रूव टू यूनिटी ठीक है जी ये पढ़ चुके हैं अब हम एक डायग्राम डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल है ठीक है जी और नॉर्मल से हम कहेंगे कि एक्साइटेशन को और बढ़ाएंगे तो क्या होगा फिर और बढ़ाएंगे तो क्या होगा ये चेंजेस हमने नोट करनी है ठीक और ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए बिकॉज इट शोज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फील्ड एक्साइटेशन ऑन आर्मेचर करंट पावर एंगल डेल पावर फैक्टर थीटा आए पिछली दो, 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 डायग्राम और डायग्राम का डिफरेंस है वहां पर ई एफ कॉन्स्टेंट था यहां पर ई एफ चेंज होगा वहां पर लोड चेंज हो रहा था यहां पे लोड कॉन्स्टेंट होगा ठीक है अच्छा हम नॉर्मल पावर फैक्टर की डिस्कस करते हैं हमारे पास जी ये रिलेशन है देख आप है एंड वीटी इनिशियल कंडीशन ठीक है ई एफ वन का एंगल क्या बना डेल वन ये देख लें आप डेल वन ठीक है फिर हमारे पास एक था आर्मेचर करंट लोड अप्लाई किया तो आर्मेचर करंट था उसका एंगल और वीटी का आपस में क्या एंगल बनाए थीटा आन ठीक है यहीं पे हम चलते यहीं पे जाते हैं और यहीं पे हम काम को रोक देते हैं हम यहां पे लिखते हैं कि आई ए वन का एंगल थीटा आई वन के साथ जो बन रहा है ऑफ थीटा 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 तो आए, आए है ठीक है थीटा आई है फिलहाल इसको इस तरह ही लेके चलते हैं अच्छा अब जरा सा तवज्जो के साथ बात सुननी है हमने यहां पर आपको होगा क्या बस ये तो हमने इनिशियल वैल्यूज थी अब हमने क्या किया कि हमने फील्ड एक्साइटेशन फ्रॉम ई एफ की जो फील्ड एक्साइटेशन थी ई एफ इंक्रीज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ई एफ वन टू। हमने वैल्यू को खुद बढ़ाया है सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन को इंक्रीज किया है फ्रॉम ई एफ वन टू ई एफ टू सच दैट सच दैट दी टी फेजर मीट ई एफ टू यानी कि ई एफ टू और वीटी आपस में क्या कर रहे हैं यहां पे मीट कर रहे हैं आप देख लें ये वीटी है

इतनी बढ़ाएंगे ई एफ वन को वो ई एफ टू पे चली जाए और मीट कर ले वीटी को मीट कर ले वीटी को जब ये इतनी वैल्यू इंक्रीज हुई तो आई ए वन इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू लैगिंग टू द यूनिटी पावर फैक्टर आई ए टू ये था ना थीटा आई वन तो ये ये विल विल मूव टू आई ए टू यू कैन सी दैट द लेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट मैग्नीटूड ऑफ द करंट रिमेन्स इज सेम चाहे वो ऊपर हो रहा है चाहे वो नीचे हो रहा है यह देख ले आप ये क्या है सेम होगा या आप फे, फेजर की फेजर की आप वो देखें या आप उसमें डॉटेड लाइन के साथ ये मीट कर रहे हैं इसका क्या मतलब है लोड कॉन्स्टेंट है

आपने तीसरे स्टेप में EF2 की मजीद वैल्यू को इंक्रीज किया और लेकर आप चले गए EF3 पे जब आप EF3 पे चले गए VT पीछे रह गया ये आप देख रहे हैं VT पीछे रह गया फर्स्ट EF1 वाज आवाज लैगिंग ठीक है EF2 वाज मीटिंग नाउ EF3 इज लीडिंग तो VT पीछे रह गया जब ये EF3 की वैल्यू और बढ़ गई फॉर एग्जांपल दिस वाज एक्स दिस वाज 2x थ्री एक्स थ्री टू की वैल्यू बढ़ी ई एफ थ्री पे चली गई जब ये ई एफ थ्री पे चली गई तो एंगल ऑफ लैग और इंप्रूव हो गया ये चला गया डेल थ्री पे जब ये डेल थ्री पे चलेगा तो एक्साइटेशन बढ़ी हुई है तो आर्मेचर करंट और बढ़ जाएगा उसका एंगल बढ़ जाएगा आर्मेचर करंट का जो एंगल होगा लैगिंग फॉर यूनिटी का वो चला जाएगा लीडिंग पे ये किस जाएगा लीडिंग चला जाएगा अब ये देख लें कि वी टी इज लैगिंग एंड आई ए थ्री इज लीडिंग सो so, I इन लीडिंग पावर फैक्टर के एस आई ए थ्री इज लीडिंग वी टी बाई एन एंगल ऑफ थीटा आई थ्री थीटा आई से क्या कर रहा है एंगल लीड कर रहा है तो पहले हमारे पास क्या था लैगिंग था लैगिंग को खत्म करने के लिए एक्साइटेशन और बढ़ाई तो चला गया यूनिटी पे तो यूनिटी से और बढ़ाई एक्साइटेशन और बढ़ाई तो हमारे पास किधर चला गया आई ए थ्री सॉरी लीडिंग पावर फैक्टर पे तो ये आप सुन लें कि लोड uh, कॉन्स्टेंट uh, है या नो लोड पे लोड कांस्टेंट है या नो लोड पे सिर्फ ई एफ वन को बढ़ाएं फ्रॉम ई एफ वन टू टू यूनिटी जाएगा और बढ़ाएं तो ये चला जाएगा ई एफ थ्री पे यहां पर देख लें ये फेजर की लेंथ बराबर है दोनों की इसमें इसमें जो है वो वीटी ग्रेटर है और इसमें वी थ्री लेस हो जाएगा ई एफ थ्री से ये बात एक नोट करने की है और इसमें जो केसेस हैं वो जरा सामने हमने देखनी है ताकि हमें जरा सा बात और क्लैरिटी समझ आए वो ये लास्ट बात लिखी हुई है बाकी लेंथ ऑफ द इलेजर मैंने समझा दिया ये इक्वल होंगे एक्स

अब यहां पर तीन केसेस जो डिस्कस किए हैं ऑथर ने वो ही मैंने समझा दिए लेकिन मैं इसको अब दूसरी तरह समझाऊंगा इंक्रीजिंग द एक्साइटेशन फ्रॉम ई एफ वन टूफ थ्री फिगर कॉज द एंगल ऑफ करंट फेजर टू गो फ्रॉम लेगिंग टू द लीडिंग

हम कहते हैं सॉरी ई एफ थ्री की, की वजह से ई एफ थ्री इंक्रीज हुआ है ई एफ टू से तो हमारे हमारे पास ये नॉर्मल एक्साइटेशन थी ई एफ टू का फेजर और वीटी के आपस में क्या कर रहा था मीट कर रहा था तो हमने ओवर कर दी नॉर्मल से इंक्रीज कर दी सो ई एफ टू मूव हो गया ई एफ टू से ई एफ थ्री पर ये क्या हो गया ओवर एक्साइटेशन तो ओवर एक्साइटेशन हो गया हमारे पास Uh, no, um, over है जी? Than the normal, और इससे कम जो है नॉर्मल एक्साइटेशन जो लेस होगा वो क्या होगा अंडर एक्साइटेशन सो ई एफ वन इज लेस टू अंडर एक्साइटेशन ई एफ टू इज इक्वल टू वी टी नॉर्मल एक्साइटेशन

आगे हो गए जी वी वीकवस तो हमेशा में वीक जो है दैट इज योर जॉब ये आपने करनी है एट इज इंक्लूडेड इन द कोर्स स्टडी बाय यूर सेल्फ ठीक है जी पेपर में आ सकते हैं और आते भी हैं और है और पूछा जाता है स्टूडेंट को ये नहीं आते ये कर्व आपने सारा याद रखना है हाउ इज दिस कर्व इज बिल्ट बाई चेंजिंग आर्मेचर करंट एंड एक्साइटेशन वोल्टेज सिंक्रोनस मोटर पे बहुत सारी हमने लोडिंग अप्लाई की उस पर वैल्यूज एक्साइटेशन वोल्टेज की भी ले ली आर्मेचर करंट की भी ले ली यूनिटी पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर हंड्रेड पावर फैक्टर फिफ्टी परसेंट पावर फैक्टर तो ये कर्व हमारे पास बने हैं ये कर्व आपको आने चाहिए और यू मस्ट नो दिस वैल्यू ऑफ द इक्वेशन ठीक है जी और इसके अंदर जो जितने भी टेक्निकल पॉइंट है

आस्किंग फॉर समथिंग एज इसको भी लीव कर दें अच्छा पोलेंड टॉक भी समझा चुका हूं मोमेंट ऑफ एनर्शिया का मतलब यही है कि जब लोड अप्लाई होगा तो उसका एनर्शिया डेवलप होगा वो काउंटर टॉर्क डेवलप करेगा आगे है स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर तो स्पीड कंट्रोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर के क्या रिलेशन है 120 F by तो सिंक्रोनस मोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे एनएस बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी को कम करोगे एनएस कम हो जाएगा एक बात दूसरी बात एनएस एस इज इनिवर्सली प्रोपोश नंबर ऑफ पोल्स पोल्स को बढ़ाओगे स्पीड कम होगी पोल्स को कम करोगे स्पीड बढ़ेगी इंडक्शन मोटर में ये और हमारे पास क्लियर होगा और एक और एक और वज़, एक और वजह भी है कि हम अप्लाइड वोल्टेज को एक और मेथड लॉर्ड वी लॉर्ड वीअ मेथड उसे कहते हैं लेकिन वो इतना अच्छा मेथड नहीं है लेकिन वो भी डिस्कस कर लेते हैं वो तीसरा मेथड अप्लाइड वोल्टेज का है वीट की वैल्यू फॉर एक्जाम्पल टू रखी थी अचानक आपने टू से टू पे की तो स्पीड के अंदर फर्क पड़ेगा इस तरह टू टेन सी से वन नाइनटी पे गए स्पीड पर और फर्क पड़ेगा और वी अप्लाइड वोल्टेज जीरो कर दोगे तो मशीन हाल्ट हो जाएगी आस्ता आस्ता रुक जाएगी अपनी पोजिशन पे स्टर्ब बाय करेंगे तो रुकेगी सड़न करेंगे तो ट्रिपिंग होगी ये स्पीड कंट्रोल मोटर है ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा इंडक्शन के केस में डायनामिक ब्रेकिंग है डायनामिक ब्रेकिंग ब्रेकिंग का मतलब क्या है कि हमने मशीन को एकदम नहीं रोकना ठीक है जी थी? हमने ऐसे रोकना है कि मशीन की जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी जो एनर्जी है वो जाया ना हो बल्कि महफूज रहे अब वो क्या करेंगे उसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को डायग्राम बच्चे ने बनाई है सिंक्रोनस मोटर को हम कनेक्ट करते हैं आगे थ्री फेज बैंक के साथ रिजिस्टिव बैंक भी हो सकते हैं और कैपेसिटिव बैंक भी हो सकते हैं जैसे आपने मशीन को रोकना है तो आप स्टेटर के जो टर्मिनल्स हैं उनको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर लो उधर से इंटरनली और उसको पाथ दे दो आउटसाइड द लोड तो लोड क्या होगा थ्री फेज रजिस्टर तो सारी सारी के, के, के सारी सारी स्टोर हो जाएगी तो रेजिस्टिव बैंक्स में हीटिंग प्रोड्यूस होगी बैटरी चार्ज हो सकती है, केपिस्टिव, केपिस्टिव बैंक से हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोर हो सकती है और इसी एनर्जी को आप दोबारा यूटिलाइज कर सकते हो दोबारा स्टार्टिंग के लिए ठीक है

मशीन खुद बखुद डायनेमिका आस्ता स्टेप बाई स्टेप जो है वो उस पर आ जाएगी ब्रेकिंग पे आ जाएगी दिस इज कॉल्ड ब्रेकिंग यही मेथड थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम दोबारा देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम और ये आ जाएगी और अगर हम प्योर रेजिस्टिव में करेंगे थ्री फेज तो एनर्जी क्या डिसिपेट होगी थ्री आई स्केर आर लॉसेस हम कहते हैं एनर्जी स्टोर करने ज्यादा फायदा है बनस्पत लॉसेज के तो हम इसको बल्ब जो बने हुए होंगे फॉर एग्जाम्पल इन सर्टन कॉलोनी थ्री फेज मोटर की कॉलोनी आगे बनी हुई तो हम वहां पर भी सप्लाई कर सकते हैं ठीक है अब इसके अंदर जो बात रह गई है वो दो बहुत चीजें हैं एक ये एग्जाम्पल है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ठीक है जी एट पॉइंट थ्री एंड यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल स्टेप बाई स्टेप क्या चीज किस तरह करेंगे किस तरह करेंगे और आपके पास ये डायग्राम बनाई हुई है दी हुई है अगर नहीं दी हुई तो खुद सोच के समझ के बनाएंगे या आपके पास तीन बैंक बनेंगे कैसे एनर्जी अंदर डिसिपेट होती है कैसे पावर फैक्टर बनता है कौन सी क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे ये सारी की सारी बातें हैं और आपके पास ये पूरी की पूरी एग्जाम्पल आ सकती है ठीक है जी तो ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके रिलेटेड एट पॉइंट वन और एट पॉइंट थ्री के रिलेटेड जितने भी आपके पास क्वेश्चन वो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार रखने हैं ठीक है जी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं एमसीक्यू भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है अगर फिजिकल एग्जाम हुआ तो और अदरवाइज ओपन एंडेड भी क्वेश्चन बनेगा सिंक्रोनस मोटर एंड एफिशिएंसी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम ये डायग्राम अगर हमें आती है तो अगर सिंक्रोनस मोटर की बहुत सारी पावर गिवन है एफिशिएंसी गिवन है तो हम इस डायग्राम से बहुत कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो डायग्राम मुश्किल नहीं है वेरी सिंपल है यहां पे मोटर मोटर हो जनरेटर हो एक इनपुट होता है एक रोटेटिंग सेक्शन होता है और एक क्या होता है आउटपुट ठीक है जी तो ये हमारा हिस्सा कौन सा है आउटपुट ये कौन सा हिस्सा है इनपुट एंड दिस इज द इंटरनल सेक्शन याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड एज दी पावर फ्लो डायग्राम ठीक है जी अब मोटर है क्या है मोटर तो मोटर में इनपुट क्या होगा इलेक्ट्रिकल मोटर में आउटपुट क्या होगा मैकेनिकल तो पी शाफ्ट मूवमेंट होगी शाफ्ट की मूवमेंट होगी ठीक है जी लोड को लोड को मैनेज करने के लिए कैटर करने के लिए पी शाफ्ट है इनपुट जो देंगे थ्री फेज सप्लाई से वो पी इनपुट होगी ठीक है जी रोटेटिंग सेक्शन हमारे पास रोटर है अब बाकी चीजें समझनी है ठीक हो गया थ्री फेज सप्लाई दी स्टेटर के थ्रू तो स्टेटर में थ्रू इंडक्शन किस में होगी रोटर में रोटर मूव किया जब सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट पे मिला पहुंचा तो हमने उसको फील्ड एक्साइटेशन दे दी उस पॉइंट पे तो इसको एक इनपुट फील्ड एक्साइटेशन मिल रही है जो डीसी होगी फील्ड एक्साइटेशन ठीक है जी किसको रोटर को रोटर को डीसी अप्लाई करेंगे ताकि रोटर की वाइंडिंग्स वा, वा, इंटरलॉकिंग कर लें। रो, रोटेशन के साथ क्या करें इंटरलॉकिंग कर लेंगे पोल्स बन के इंटरलॉक हो जाएगी ये पी फील्ड एक इनपुट हो जाएगी और एक थ्री फेस सप्लाई मिलेगी स्टेटर को लाइन से ये लाइन से मिलेगी ये डीसी मिलेगी तो कितने इनपुट हुए दोनों दो इलेक्ट्रिकल पी फील्ड एंड पी इनपुट ठीक है जी आउटपुट क्या हुआ पी शाफ्ट ठीक है रोटेशन होगी मैकेनिकल अब अगली चीज देखना है जब इनपुट मिला तो किस में गया स्टेटर तो स्टेटर के अंदर दो कंडक्टर हैं एक होता है कोर स्टेटर की कोर होगी स्टेटर के कोर की लॉस होगी पी कोर एडी करंट एडिकॉस एंड स्टेट लॉसेज आगे है स्टेटर के अपने कंडक्टर भी होते हैं तो स्टेटर के कंडक्टर होंगे तो उसके उसके अंदर जो लॉस होगा दैट इज लॉस पी एस सी एल स्टेटर कंडक्टर लॉस आगे स्टेटर और रोटर के दरमियान गैप है स्टेटर और रोटर के दरमियान गैप है इधर से जो पावर ट्रांसमिट रोटर में होती है उसे कहते हैं पी गैप क्या कहते हैं पी गैप फ्रॉम द स्टेटर टू द रोटर पी गैप है ठीक हो गया पी गैप है, पी गैप भी है, पी गैप भी कहते है। कहते कहते हैं, हैं, ज़्यादा मशहूर नाम इस्तेमाल होता है। आगे जब ये होगा में, में तो रोटर में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा मैकेनिकल क्या आएगा मैकेनिकल और रोटर के अंदर जो लॉसेज होंगे रोटर सर्किटरी है उसके अंदर वाइंडिंग्स है तो रोटर के अंदर जो लॉस हुआ पी फील्ड कंडक्टर लॉस लाजी बात है फील्ड देते हैं तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगी कंडक्टर होंगे तो पी सॉरी फील्ड कंडक्टर लॉस पी एफ सी एल फील्ड कंडक्टर लॉस दूसरा लॉसेज क्योंकि मैकेनिकल है मोटर है तो हमारे पास फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेज स्मॉल होती है लेकिन कैलकुलेट कैलकुलेट करते हैं इसको फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस इग्नोर ही बात करते हैं और दूसरी जो इसके अंदर लॉस होगा रोटर सर्क रोटर सर्कुटरी में वो क्या होगा स्ट्रे लॉसेज क्योंकि स्टेटस से रोटर के अंदर इंड्यूस हुए हैं तो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस पैदा होते हैं उस इंड्यूस करंट की वजह से हमारे पास लॉसेस लॉसेज है हैं उसे कहते हैं पी स्ट्रे सो पी स्ट्रे पी फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड पी एफ सी एल ठीक है जी ये तीन लॉसेज इधर हो गए पी गैप हो गया पी कोर हो गया पी एस सी एल हो गया तो इस डायग्राम को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है पहले इनपुट बनाना लाइन बनानी है फिर एक आउटपुट की लाइन बनानी है फिर देखना है एक इनपुट और आ रहा है ठीक है फिर इन दरमियान के दरमियान गैप है तो पी गैप हो जाएगा ठीक हो गया अब देखना है कि ये कौन कौन से लॉसेज इधर स्टेटर है तो स्टेटर कंडक्टर लॉस इधर रोटर है तो फील्ड कंडक्टर लॉस या और रोटर कंडक्टर लॉस दोनों नाम है इसके इधर क्या है कोर रहती है स्टेटर की और इधर क्या है रोटर की मोशन तो मोशन के साथ फील्ड फ्रिक्शन एंड विंडेज और फिर इंडक्शन होती है तो स्ट्रे लॉसेस ये पूरी डायग्राम है अच्छा ये एफिशिएंसी की इक्वेशन है आप देख रहे हैं इक्वल टू इनपुट प्लस इनपुट क्या है पी एन प्लस पी फील्ड ये दोनों इनपुट है देख लें आप पी एन एंड पी फील्ड ठीक हो गया अच्छा इसको हम इस 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 जो रिलेशनशिप है ये वाली रिलेशन इसको दोबारा लिख सकते हैं कैसे आउटपुट बाय इनपुट आउटपुट बाय

फ्रिक्शन सॉरी फ्यूड कंडक्टर लॉस या रोटर कंडक्टर लॉस फ्रिक्शन आपको आनी चाहिए ये रिलेशनशिप्स को पता होना चाहिए आप हर चीज निकाल सकते हैं इंडक्शन मोटर में हम पूरा क्वेश्चन इस पे करेंगे थ्री इंडक्शन मोटर में चैप्टर नंबर फोर में हम पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बेस पे करेंगे इस डायग्राम पे तो ये डायग्राम क्वेश्चन आगे, आगे आपके पास पूछे हुए होंगे एट पॉइंट थ्री आप करेंगे तो इसकी जो क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है जो क्वेश्चन का मैंने कहा करने का उसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपने करने हैं फार्मूल आपको पता होना चाहिए जो पढ़ाए हैं और क्वेश्चन आपकी मुश्किल नहीं है ठीक है जी जो डायग्राम के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे जिस तरह मैंने पहले कहा था बाकी इंशाल्लाह आपने करने हैं फिर नेक्स्ट इनशाला लेक्चर हमारा जो स्टार्ट होगा हम क्या करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मशीन को स्टार्ट करेंगे